अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जैस्मिन, आज मैं आपको बालों में मेहंदी लगाना सिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टीशन करेंगे हम टू साइड। और गाइस, मैंने ग्लव्स लगा लिया है। ग्लव्स इसलिए लगाया है क्योंकि हम हाथ से लगाएंगे। हाथ से इसलिए लगा रहे हैं हम क्योंकि इससे कम्फर्टेबल होता है। और ये ब्रश से लगाते हैं, ब्रश से इतना हम फ्री नहीं रह पाते, ढंग से नहीं लग पाता है। और इसके लिए ग्लव्स नीचे ना जाए इसीलिए हम रबर लगा लेंगे, रबर बैंड ऐसे करके। देखिए गाइस, ये नीचे ना जाए ग्लव्स, ठीक है। चलिए हम सेंटर का पार्ट लेके देखिए गाइस ऐसे लगाएंगे, इस साइड भी लगाएंगे हम, इस साइड भी लगाएंगे। तो इनके बालों में कंडीशनर के लिए मैं इनको मेहंदी लगा रही हूँ। गाइस देखिए, मैं इनके मेहंदी जो लगा रही हूँ राउंड में लगा रही हूँ, ये देखते रहिए। सेम मेथड यूज करना है जैसे मैं ये लगा रही हूँ। गाइस अब जो स्ट्रैंड्स लेके जा रहे हैं ना, इसको थोड़ा टाइट लेके जाइएगा। गाइस ये जो आप राउंड राउंड ले जा रहे हैं, थोड़ा टाइट रखिएगा कि ये जोड़ा आपका 3 या 4 घंटे रहेगा तो फिक्स रहेंगे, लूज ना हो। गाइस लगाने को तो हम ब्रश से भी लगा सकते हैं, बट जितना अच्छा हम हैंड से लगा लेते हैं अच्छा ब्रश से नहीं लगा सकते। और ये जो बन है आपका अच्छी तरह से बन जाता है हाथ से। गाइज आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप पॉलिथीन यूज कर सकते हैं अपने हाथों में लगाकर। गाइज आपको छोटे छोटे हेयर्स दिख रहे हैं तो आप उसको मेहंदी लगाकर कवर कर सकते हैं जहाँ पे। गाइज जैसे ये बन कंप्लीट हो चुका है, अब इसको 3 या 4 आवर्स के बाद इसको वॉश करना है आपको। और इस बन को कवर करेंगे, कवर ये पॉलिथीन से या कोई हेयर कैप से कर लीजिएगा। इस वॉश करने के बाद आप शैम्पू बिल्कुल मत करिएगा, आप नेक्स्ट डे ऑयल लगाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। गाइस जैसे देखिए हमारे पास कैप नहीं है तो हमने पॉलिथीन से कवर कर दिया, ये देखिए। गाइस अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।